अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मैं धर्मपुर में अपना झंडा गाड़ना चाहता हूँ। यही तो सही पहचान है एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की। तो जहां भी जाता है हर इंसान को यह पता चलना चाहिए कि एक सौदागर आया है सौदा करने के लिए। And that's the only reason why I'm throwing this party. And to top it all, एक और मकसद है इस पार्टी का, धर्मराज मायावंशी। मैंने आज तक ना कभी ऐसा देखा है ना सुना है, जमीन किसी किसान की हो या उद्योगपति की, धर्मराज मैयावंशी से पूछे बिना कोई अपनी जमीन बेचना ही नहीं चाहता। मैं देखना चाहता हूं कि क्या जादू है उनके पास जो धर्मपुर उन्हें अपना भगवान मानता है। मनीष, ऑल द बेस्ट फॉर योर पार्टी, लेकिन आई एम सॉरी मैं नहीं आ पाऊंगी। एक्चुअली विशाल की हॉलीडेज है और मैं चाहती हूँ उसे कहीं छुट्टियों पे ले जाऊं। आई एम सॉरी। अब विशाल के साथ जा रही हो तो फिर मैं कैसे मना कर सकता हूँ। चलो तुम्हारे वापस आने के बाद एक और पार्टी थ्रो करेंगे, बट दिस पार्टी इज फिक्स्ड बिकॉज आई वॉन्ट टू मीट मिस्टर धर्मराज मायावंशी एज सून एज पॉसिबल। शक्कर दो चम्मच लेते हैं ना, मुझे सब याद है डियर। मैं कुछ भूली नहीं हूँ। मालिक आप आ गए? आप खाना खा लीजिए, मैंने खाना लगा दिया। मैं आपकी राह देख रही थी। नहीं जम्मू नहीं मारे, भूख नहीं, मैं ऊपर जा रहा हूँ। पर मालिक मैंने आपके पसंद का खाना बनाया, घर में सबने खा लिया, आप भी खा लीजिए। तुम्हें समझ में नहीं आती बात? शायद आप थक गए होंगे मालिक, मैं आपका खाना आपके कमरे में भिजवा देती हूँ और सूप भी। एक बार बोला ना क्या भूख नहीं है, पहले भी 50 बार फोन किया, नहीं अबे पाछड़ पड़ी गई। अरे छोड़ने, अकेला छोड़ने। ले आशू करी, मैं मेरा मगज भी ना फिर गया है। बेचारी को खाली फोकट का डांट दिया, वक्त खाने के लिए बोला था ना, मैं उसकी क्या भूल है। नहीं मालिक, आप चाहिए मैं यही सो रही। अरे नहीं एटले शो चाल है। नहीं मालिक मैं यही सो रही, आप भी जाके सो जाइए। अरे बोल रहा हूँ ना बात करनी है। बाप बात जाग जाएगी मालिक। बोल मत चल। नहीं मालिक, पर ये तेरे से बात करनी है, चल ना। नहीं मालिक आप चाहिए मैं यही सो रही। अरे नहीं मालिक एटले शो चलो।
ए संतुड़ी, कहाँ जा रही है? हाँ, और तू, तू यहाँ क्या कर रहा है? इतने वो चा की तलब लगी थी ना, इतने मैं तो तू तो कह रहा था ना मेहरबानी करके मुझे छोड़ दो, तो छोड़ दिया, अब क्या? चल उसको सोने दे आराम से। ये बोला था ना मैं तुझे कि चंपा कली को बोलता हूँ चा बनाने, चल ना सो जाने, थक गई है। रो रो कर उसका मुंह पर तो सूजन आ गई है, तू फिक्र मत कर। हाँ हाँ, ऐसा तो होता ही रहता है। तू आ, तू आके सो जा बेटा। हाँ सो जा, सो जा। आज शुभ रात्रि। हूँ मैं चंपा कली को बोलता हूँ चाय बना दी, मैंने तू चिंता मत करो मेरी, सो जा। ऐसा तो चलता रहता है, फिकर करने की नहीं, तू बहुत फिकर करती है, चल सो जा। अरे तू तो केवी छे यार, मारी बात तो सांभ। देख मुझे खबर है कि मैं तेरे से ऊंची आवाज में बात किया ने, इसलिए तुझे खोटा लगा, पर जवाब देने हो या माफ माफ करने हो, चल जवाब दे। ठीक है ठीक है, इसलिए शू ठीक है, इसलिए शू है। अरे मैं बात कर रहा हूँ ना तेरे से, बोल रहा हूँ ना कुछ। आपको भूख लगी है? ठीक है मैं खाना गर्म कर देती हूँ आपके लिए। ये मारी बात सांभ, खाने को रहने दे, ये तेरा भेजा है ना गरम, उसको ठंडा कर, अने मेरी बात सुन। आप क्या बात है? जो यार आपका कुर्ता पहन लीजिए। आह जो बरोबर से पहन लेता हूँ मैं। बड़ा एक बात बता, ये साड़ी थी पहनी थी तूने? ये वो ये तो जम्मनू जब फोन पे बोला था वो सब बनाया था कि नहीं? जो जो, जो। जो मुझे भी खोटा लग रहा है, मैं जाने देने में है। आपको और कुछ काम है? अरे दूसरा क्या काम हो गया? तो ठीक है फिर एक कुर्ता पहन लीजिए और सो जाइए। अरे पढ़ केवी जाए यार, तो शो करो यार है? मैम आपने मुझे बुलाया? हाँ बुलाया था। वैसे अब मैं तुम्हारी बॉस नहीं रही, लेकिन फिर भी एक बात करनी थी तुमसे। तुम्हें याद है ना आज शाम को क्या है? हाँ मैम मुझे याद है, पर मैं उस कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले रही। व्हाट? हिस्सा नहीं ले रही?
तुम्हें पता है ना, इस कॉम्पिटिशन में अच्छे अच्छे हीरे तराशने वाले कारीगर आएंगे। इनफैक्ट हीरा तराशने का ऑल इंडिया कॉम्पिटिशन है, तुम्हें पता है ना मुंगी। कल तक बात कुछ और थी, लेकिन आज तुम पापा की कंपनी संभाल रही हो और मैं खुद की। और जब से पापा ने अपनी कंपनी का काम तुम्हें सौंपा है, मैंने इस कंपनी का काम देखा ही नहीं। मजा आएगा ये देखने में कि तुमने पापा की कंपनी कैसे और कितनी संभाली है। और ये तभी होगा जब तुम इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेके अपना हुनर दिखाओगी। आज शाम को सूरत में होने वाले कॉम्पिटिशन में सिर्फ गुजरात के कारीगर ही नहीं, बल्कि ऑल ओवर इंडिया से डायमंड मर्चेंट्स आएंगे, अपना हुनर दिखाएंगे। अगर तुमने इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा नहीं लिया तो सिर्फ एक पापा की कंपनी होगी जो इस कॉम्पिटिशन में नहीं आओगी। आई एम श्योर यू वोंट लेट दैट हैपन। तुम ये होने नहीं दोगी, है ना? हाँ आई नो, पिछले 3 सालों से मैं ही जीतती आई हूँ, लेकिन हर साल की तरह इस साल तुम मेरे साथ नहीं, मेरे सामने होगी। सो लेट्स सी किस हद तक तुम मेरी बराबरी कर सकती हो। आई मीन आई वुड लव टू सी यू लूजिंग, यू नो, क्योंकि तुम अकेली जो हो और मेरे साथ मेरा पति सारंग है, यू नो दैट। क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा उतर क्यों गया? हार मान ली मुझसे? मैं इस कंपटीशन में हिस्सा लूंगी, मैं जरूर लूंगी। तोरल जल्दी से तैयार हो जाओ, क्योंकि उन्होंने हितेन दूर हटो यहाँ से। क्या हुआ तोरल? बहुत बदबू आ रही है हितेन, प्लीज। मुझे तो कोई बदबू नहीं आ रही, और मैं तो बाहर से आया हूँ, तुम्हें कहाँ से बदबू आ रही है? हितेन भाई, तोरल भाभी को तेल की खुशबू से परेशानी हो रही है। तेल? चंपा इसे प्लीज कहो यहाँ से जाने के लिए। पर तोरल, तुम्हें तो इसकी खुशबू पसंद थी ना, इसीलिए तो मैं ले आया हूँ यहाँ। पहले तोरल भाभी गर्भवती नहीं थी ना, गर्भवती औरतों को तेल की खुशबू से परेशानी होती है, यहाँ तक कि उल्टी भी आने लगती है, और कुछ खुशबू से तो उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। समझे, हम जाओ यहाँ से, गो। क्या दिख रहा? शू थयो? आ मोड़ू लटकाई ने शू काम फरी रहे छे? देखो ना पप्पा, मने तोरल नी कटली चिंता थाई छे, कितना ख्याल रखता हूँ मैं उसका, लेकिन उसे उसने मुझे अपने कमरे से बाहर निकाल दिया। क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा पप्पा। अरे राजो, थोड़ी राजो, शू जाने कि ये क्रोध शांत होने में 1-2 दिवस लगता है, त्यार सुधी उसके सामने जाना मत। पर पप्पा, मने जो एक बात तने कहूं, बार भले हम सब शेर हो है, पण घर में बिल्ली बन के रहना सारो छे, समझो तुम्हारी बात। पप्पा, मेरे और तोरल के बीच ऐसा कोई झगड़ा नहीं हुआ है। अरे नहीं हुआ है तो होगा, इतला माटे तुझे शिखामण दे रहा हूँ, बाद में सीख काम आएगी मेरी, तू हाल मारा साथ। पापा, बोल, आप क्यों इतने उदास हो? शुद है? नहीं रे, मेरे साथ क्या होगा, एकदम बरोबर है। परसु छने तेरी तेरी माँ से ऊंची आवाज में बात की ने, इतले थोड़ा समझी गयो ना? हाँ तो 2 दिन के लिए आप भी उनके सामने मत जाइए पापा। बदू ठीक थी ऐसा? वाह वाह दिकरा वाह, मेरी सिखामण मुझे ही दे रहा है? नहीं पापा, मुझे तो इमने बस केतो तो आवे जो। हाय पापा। हाय देन भाई, कहाँ जा रहे तू? मैं दोस्तों के साथ बाहर, थोड़ा मस्ती वस्ती करेंगे, फिर कंपटीशन है ना आज, उसके लिए सूरत जाना है। हाँ जा, वैसे भी तुझे कौन पूछेगा कि तू कहाँ जा रहा है, कोई तुझसे ये भी नहीं पूछ पाएगा कि तू क्यों जा रहा है, तू क्या पहन कर आया है, जो मर्जी हो तू कर सकता है। हाँ लेकिन शादी के बाद ये सब करने नहीं मिलेगा तुझे। हाँ मगज पर पहाड़ जैसा बोझ भी नहीं कि कोई रूठ गया ने उसको मना नहीं कहे, है ना? सालू छे भाई, तारू सालू छे। ये आप लोग कैसे अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तू नहीं समझे,
जरे लगन दसे ना तेरे समझ से जा। खैर छोड़ो मैं निकलता हूँ, बाय। सारू थयु तू आवी गई, ओ कुछ बोलने का था तुझे। बोलो आवे तो जो बात ऐसी है ना, क्या बात ये कि मिस्टर सबराल के से एक कार्ड आया पार्टी का। भले किसी की भी पार्टी होए मैं नहीं जा सकता, क्योंकि आज रात मैं अपने परिवार के साथ ने अपनी पत्नी के साथ बिताऊंगा। जाना तो पड़ेगा आपको, चाहे जितना भी आवश्यक काम है। मैं नहीं जाता प्रसंग में। जाना तो आपको पड़ेगा, कारण के डॉक्टर मेघा मेरी अच्छी दोस्त है और मिस्टर अग्रवाल उनके होने वाले पति है, इसलिए अब जब भी मुझसे कहते हैं कहीं जाने के लिए तो मैं चली जाती हूँ। और आज पहली बार मैं आपसे कह रही हूँ तो आप मना कर रहे हैं। अरे मैं जाता था, पड़ा रात को मुझे बारगांव जाना है आवश्यक काम से। चल तू बोल क्यों करूँ, काम बाद में करूँ, जाऊँ पार्टी में है? नहीं नहीं आप पहले अपना आवश्यक काम कर लीजिए। चल ठीक है, तो मेरा सामान बांध के रात को स्टेशन पे पहुंच जाना। हो ठीक है आ जाऊंगी। अरे सांभर वो कल रात को तूने साड़ी पहनी थी ने, मैं देख नहीं पाया न खावानू पण बनावे तूने, मैं जम नहीं पाया कारण के आपको जाना है ना, चाहिए वरना देर हो जाएगी। हाँ हाँ ये आप करूँ मैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय सु मुझे बोला था कि आप मिलना चाहते हो, कोई खास बात? जी हाँ, मैंने आज अपने घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी है, आपके यहाँ इनविटेशन भिजवा दिया था, फिर मैंने सोचा कि मैं खुद जाकर आपको इनवाइट करता हूँ। ये तो इनका बड़प्पन है, वैसे इनकी जितनी तारीफ की जाए ना उतनी कम है। ऐसा कोई भी शहर नहीं है जहाँ पे इनका बिजनेस ना हो, रियल एस्टेट का बहुत बड़ा कारोबार है इनका। और सबसे बड़ी बात तो यह अंकल कि ये गरीबों को मुफ्त में फ्लैट देते हैं, वरना आप बताइए आज के जमाने में कोई किसी को मुफ्त में कुछ नहीं देता। आ तो बहुत सारी बात है साहब, पर समझो नहीं आपके जैसा इतना बड़ा आदमी है ये गांव में क्यों है, गांव क्या देगा आपको है? मैं इस गांव से कुछ लेने नहीं, कुछ देने आया हूं। इसलिए मैं धर्मपुर में एक स्टूडियो, एक थिएटर और एक हाउसिंग सोसाइटी बना रहा हूं। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि मैं इस गांव को शहर बनाने आया हूं। इस गांव में आप लोगों के पास जितने भी खेत हैं उस सारी जमीन को बिना छुए मैं बाकी की सारी जमीन खरीदना चाहता हूं। इससे आपके किसानों को इतना पैसा मिलेगा कि उनकी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी और आपकी फैक्ट्री के वर्कर्स भी, उनकी भी मैं छोटी छोटी ज़मीनें खरीदना चाहता हूँ, वहाँ पर बिल्डिंग्स और हाउसिंग सोसाइटीज बनाना चाहता हूँ, तो मुझे लगता है कि आपकी फैक्ट्री को भी इससे काफ़ी मुनाफा होगा। आप और साहब सूचने बात के ये जितनी भी जमीन है ना इस पर अधिकार मेरे दर कारीगर का है, मेरा नहीं, तो मेरे पास क्यों है आप लोग? राजा तो मैंने कई देखे हैं लेकिन बादशाह आज तक नहीं देखा, यहाँ आके देख लिया। आपकी कारीगरों की जमीन पर आपका कोई हक नहीं है लेकिन कारीगर पर आपका पूरा हक है, आपसे कुछ पूछे बिना वो कुछ नहीं करेंगे। अबे समझे हूं अखी बात के बाहर काम नहीं बनाने आपका इसलिए मेरे पास आए हो, और जो एक बात कहूं फोटो ना लगाता है दिल पे नहीं लेना, ये जो जमीन है ना पूरी धर्मपुर की ये मेरे कारीगरों की है, ने मैं कोई दिवस इनको ये जमीन बेचने नहीं दूंगा बाहर वाले को, क्योंकि फोटो ना लगा तो दिल पे मत लेना, बाहर वालों पे मुझे इतना विश्वास नहीं है। करना भी नहीं चाहिए, मैं सौदा दिल से नहीं दिमाग से करता हूँ। जिंदगी में कभी किसी से कुछ छीना नहीं, हमेशा पाया है।
खैर पार्टी में जरूर आइएगा, इस बारे में हम फिर कभी बात कर लेंगे। हाँ जितनी बार भी बात करोगे ना मेरा जवाब ना में होगा। मिस्टर धर्मराज भैयावंशी, पहली मुलाकात में मुझे आपसे कोई उम्मीद नहीं है। खैर पार्टी में मिलेंगे, मैं चलता हूँ। बीजी तीजी ने चौथी मुलाकात में भी ऐसा कोई फेर नहीं पड़ने वाला है मेरे निर्णय में। हाँ पर मैं नहीं आ सकता क्योंकि आज रात को बारगांव जाना है जरा। ठीक है तो फिर पार्टी आपका इंतजार करेगी। धर्मपुर के बादशाह धर्मराज महियावंशी के बिना कैसी पार्टी? यहाँ बादशाह का मतलब यह नहीं है कि आपके पास शक्ति है, बल्कि यह है कि पहली बार जिंदगी में किसी बराबर वाले से बात हो रही है। मैं आपके वापस आने का इंतजार करूंगा। जय श्री कृष्ण।